अब हम आपको सर्कुलर बाइंडिंग बताएंगे। सर्कुलर बाइंडिंग गोल गले या किसी भी गोलाई पे रेप पट्टी लगाना, उसके लिए हमने एक 7x7 का स्क्वायर कपड़ा लिया, सेंटर से फोल्ड किया, उसमें 3 इंच बाय 3 इंच का स्क्वायर बनाया। इसको गोलाई शेप दी, और कटिंग किया। ये राउंड एज गोलाई शेप के किनारे को और एक पट्टी से फिनिश करना है। गोल गले पर और एक पट्टी लगाना, उसके लिए पट्टी को पहले फोल्ड करेंगे हाथ से और हल्का सा प्रेस करके क्रीज बना लेंगे। इस तरह रखना है गोलाई के किनारे और पट्टी के दोनों किनारे को मिला के रखना है। गोलाई पे हल्का सा पट्टी को खींच के रखना है। के बाद फिर से एक्स्ट्रा कटिंग कपड़े की मशीन में लगा देनी है और पीछे से कट करना है। इस कपड़े की कटिंग लगाने से सुई में से धागा निकलता नहीं है और मशीन में बार बार धागा डालने में टाइम वेस्ट नहीं होता। कि एक्स्ट्रा पट्टी काट देंगे। और हाथ से सेट करते हुए तुरपाई करके किनारे को बांधेंगे। सीधा करना है, सीधा करके मार्जिन ऊपर करना है और किनारे को फोल्ड करना है इस तरह से। उसके बाद तुरपाई करने के लिए मशीन का धागा और पट्टी का किनारा
फोल्ड धागे में से सुई को निकालना है, खींच के नॉट लगानी है। और ऐसे ही रिपीट करते जाना है। अब ये तुरपाई करने के बाद बाइंडिंग ऑफ सर्कुलर एजेस, गोलाई को उरे पट्टी से बांधना पूरा हुआ। इधर हमने तुरपाई करी है सीधी साइड से इस तरह से, ये इसकी तुरपाई के टांके हैं। तुरपाई का टांका सीधी साइड नहीं आना चाहिए।